आजकल प्रतिदिन टीवी पर और अखबारों में दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की चर्चाएं हो रही हैं। ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो गया है, पंजाब में अंधेरा छाया हुआ है। तो इसका मुख्य कारण कंबाइन मशीनों द्वारा फसल की कटाई है। कंबाइन के काटने का तरीका ऐसा है कि उसमें 2 फुट का ठूंठ जो है वो खेत में बचा रहता है, और चूंकि दूसरी फसल बोनी होती है तो उसको जलाने के अलावा कोई चारा बचता नहीं है किसान के पास। और जब जलाते हैं तो अकल्पनीय नुकसान करते हैं, अपनी किस्मत में आग लगाते हैं। आप ये समझ लीजिए कि जब हम जलाते हैं तो जितने भी जीव जंतु बैक्टीरिया माइक्रोब जो भी जमीन में हमारे मित्र हैं वो सब जल के मर जाते हैं, जिससे कि वर्षा का जल नीचे जा नहीं पाता और खेत में सारा कार्बनिक मैटर जला के हम सत्यानाश करते हैं। तो इस समस्या का सरकार या सुप्रीम कोर्ट या इनके पास कोई उपाय है कि सिर्फ इस पे चिल्लाती रहना पड़ेगा? अभी तो खाली समस्या की चर्चा हम सुनते हैं, लेकिन हम लोगों ने एक ऐसा यंत्र बना लिया है, इस समस्या का निदान है। ये एक हस्तचालित यंत्र है जिससे कि गेहूं, धान, बरसीम, चारे सारी फसलें काटी जा सकती हैं, और एक आदमी 10-12 आदमी जितनी कटाई कर लेता है, और इसमें कोई लागत भी नहीं आती, कोई प्रदूषण भी नहीं होता। तो ये पराली की समस्या का हल कैसे है? क्योंकि ये फसल को नीचे जड़ से काटता है, इसलिए इसमें पराली बचती नहीं है, पूरा भूसा बनाया जा सकता है या मल्चिंग के रूप में यूज करके खाद की कमी को पूरा किया जा सकता है। तो इस यंत्र को क्या नाम दिया है आपने? इसका नाम हमने रखा है विकल्प, समस्याओं का विकल्प प्रस्तुत किया है। तो सुन लीजिए, समस्या पे चर्चा से काम नहीं चलेगा, समस्या का विकल्प भी देना पड़ेगा, और वो आ चुका है। कानपुर से विवेक चतुर्वेदी।